पेट जो भरता लोगों के, मिट्टी से फसल उगाता है, इस किसान की खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। जी हाँ, ऐसे ही मेहनतकश किसानों को समर्पित है हमारी आधुनिक चौपाल, जिसमें हम आपकी कृषि संबंधित समस्याओं की, शंकाओं का समाधान करते हैं। और हमारी इस मुहिम में हमारे साथी, हमारे सहभागी हैं समाधान टेक्नो खेती। इसी कार्यक्रम में हम आपको कृषि संबंधित नई नई बातों से, नई नई खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2019 में, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ताकत और मेहनत की तस्वीर पेश करती ये ट्रैक्टर भारत के किसान के हमदम हमसाया बनकर रहते हैं। तरक्की करता किसान और लगातार आगे बढ़ती ट्रैक्टर इंडस्ट्री 21वीं सदी के प्रगतिशील भारत की कहानी बयां कर रहे हैं। भारत की ट्रैक्टर इंडस्ट्री अब 7 लाख पर एनम के आंकड़े को पार कर चुकी है और ये गवाह है कि अब हमारा किसान सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में भी हाथ आजमा रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज बाजार में मौजूद ट्रैक्टर्स न सिर्फ अत्याधुनिक हैं, बल्कि उनमें लगातार वक्त के हिसाब से बदलाव भी हो रहे हैं। ऊंचाइयां छूता ये आंकड़ा ट्रैक्टर कंपनीज और किसानों के बीच मजबूत होते रिश्ते को बयां कर रहा है। गांव देहात, खेत खलियान और हमारे किसान के हौसलों से पनपती ये इंडस्ट्री काफी अव्यवस्थित थी, लेकिन ट्रैक्टर से जुड़ी सभी जानकारियों को संरचित और सरल रूप में पहली बार पेश किया tractorjunction.com ने। ये सार्थक प्रयास किया है रजत गुप्ता ने। अपने इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए रजत गुप्ता ने ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड शो की न सिर्फ परिकल्पना की, बल्कि 3 मई को दिल्ली के ताज विवांता होटल में अपनी कल्पना को मूर्त रूप भी प्रदान किया। इसके तहत एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 21 श्रेणियों में ट्रैक्टर्स और उनके अटैचमेंट्स को जूरी मेंबर ने एसएमएस से आए आम जनता की वोटिंग के आधार पर अवार्ड्स दिए। देश भर के विभिन्न ट्रैक्टर और अटैचमेंट कंपनियों से आए लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बने। तकनीक और नवाचार को सम्मान मिला। कई दिग्गज एक्सपर्ट्स ने नामी ट्रैक्टर कंपनियों के कृषि उपकरणों को कार्यशैली की कसौटी पर परखा। न्यू होलैंड, सोनालिका, बीएसटी, फोर्स, सामे जैसी कंपनियों ने अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड जीते। एस्कॉर्ट के पावर ट्रैक यूरो 50 को ट्रैक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। देश की इस अनोखी पहल में जो लोग शिरकत करने से चूक गए, वो जरूर इसे मिस करेंगे, लेकिन उनके पास मौका है आईटोटी के आगामी कार्यक्रम में हिस्सा लेने का। उम्मीद है कि आईटोटी की यह मुहिम किसानों को अपने काम के हिसाब से ट्रैक्टर चुनने में मददगार साबित होगी। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ये पहला समय है कि ऐसा एक कार्यक्रम इन्होंने संचालन किया और हम उम्मीद करते हैं कि इससे ट्रैक्टर इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। ये ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड का, जो कि रजत गुप्ता ट्रैक्टर जंक्शन की टीम ने प्लान किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। सिंसियरली थैंक्स टू द फार्मर्स कम्युनिटी हु हैज रियली वोटेड फॉर आवर प्रोडक्ट, आवर ब्रांड एंड शोन ट्रस्ट इन अस। Here tonight in Vivanta Taj Hotel, okay, for the Aitoti Awards, and as part of this event, we are really happy of this organization and all the event, because it is very important for the Indian agriculture. Idea हमें सर आया, मेरी टीम से पीयूष है, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्यों ना हम ऑनलाइन वोटिंग चालू करें, जानने के लिए कि कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है। तो हमने सोचा क्यों ना इंडियन कार ऑफ द ईयर या इंडियन बाइक ऑफ द ईयर, जहाँ अवार्ड पिछले 10 से 15 सालों से हो रहे हैं इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी इस तरह का अवार्ड शो स्टार्ट किया जाए।